फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल SSRD ब्लॉगर में। तो फ्रेंड्स, आजकल मेरे रोज ब्लॉग नहीं जा रहे, वैसे भी अब डेली ब्लॉग मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि ना कुछ कारण है, क्योंकि हेल्थ यानी कि सेहत बहुत जरूरी है और इसकी वजह से मेरी हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा था, तो मैंने डेली ब्लॉगिंग बंद कर दी। क्योंकि जब सेहत ही नहीं बचेगी तो हम YT का क्या करेंगे और क्या करेंगे ऐसे पैसों का जो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाया है नहीं। तो कुछ वजह है, मेरी सेहत पे इफेक्ट पड़ रहा था जिसकी वजह से मैंने डेली ब्लॉगिंग बंद कर दी है। मैंने अभी तक नहीं बताया था, मैंने सोचा चलो ये भी आपको शेयर करते हैं, क्योंकि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग मेरे साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं। जो लोग न्यू जुड़ रहे हैं उनके लिए तो खैर ये बात नहीं होगी, लेकिन जो लोग मेरे साथ शुरुआत से जुड़े हैं उनके लिए मैं चाहती हूँ ना कि मेरे जो मतलब है ना कि जो लोग मुझसे अटैच हैं कि उनसे मेरी जो लाइफ की कोई भी बात है छुपी ना रहे। तो ऐसे ही कुछ है, क्योंकि आप लोग मेरे अपने हैं और अपनों से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। तो मेरा तो ऐसे ही, आप शुरुआत से जो लोग मुझे देख रहे हैं, जिन लोगों ने मुझे समझा है, जो लोग मुझे जानते हैं अच्छे से, उनको पता है कि मैं कोई बात छुपा के नहीं रखती हूँ। जो भी मेरे मन में होता है, जैसा भी होता है, मैं बोल देती हूँ। और आज का ब्लॉग, आज मैं आपको लेके चलने वाली हूँ मुल्लाभीरी बाबा के दर्शन, जो कि बहुत बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध बाबा जी हैं। वहां पे सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, क्योंकि मैं तो पहली बार गई थी, मैं इससे पहले नहीं गई थी, बाकी सब लोग जा चुके थे, मम्मी पापा सब लोग मतलब जाते रहते थे, लेकिन मैं बहुत कम हर जगह जाती थी, तो मैं पहली बार गई। और जो कि हमारे मायके से अगर आप आएंगे, सीतापुर से अगर आप आएंगे तो पिसावा रोड पे पड़ेगा, पिसावा से 3 किलोमीटर आगे मिश्रिक रोड पे ये पड़ता है मुल्लाभीरी का स्थान। बहुत बहुत ही मतलब क्या ही मैं बोलूं, अजीब सी अनुभूति हुई वहां जाके। और वहां पे ना मन्नत की घंटियां चढ़ाई जाती हैं, जैसे जो लोग मन्नत मानते हैं, छोटी घंटी बड़ी घंटी जैसी भी जिसकी श्रद्धा होती है, वहां पे घंटियां चढ़ाई जाती हैं। और इस घंटियां भी ना इस तरीके से वहां पे रखी हैं, क्या ही मैं बोलूं, मतलब वो एक होती ना कोई जगह ऐसा होता है ना कि कहीं जब आप जाते हैं ना तो वहां पे अलग ही फीलिंग आती है। मेरे तो बिल्कुल रोए खड़े हो रहे थे वहां पे जाके, मतलब बहुत 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 अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो इसको शेयर करते हैं आपके साथ और दिखाते हैं आपको, दर्शन करवाते हैं। तो चलिए चलते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं मुल्लाभीरी बाबा के दर्शन। और बहुत ही प्रसिद्ध बाबा हैं, बहुत ही ज्यादा मतलब वहां की मान्यता है। तो चलिए मैंने सोचा कि चलो ये चीज आपके साथ शेयर करते हैं और आप लोग देखिए और आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप लोगों ने क्या अनुभूति किया, फिर क्या महसूस किया, वो मुझे कमेंट करके जरूर से जरूर बताना। तो चलिए देखते हैं आज का ब्लॉग और आपको दर्शन करवाते हैं मुल्लाभीरी बाबा के दर्शन करवाते हैं। चलिए करिए दर्शन आप भी और देखते हैं आज का ब्लॉग और करते हैं बाबा जी के दर्शन। तो फ्रेंड्स, हम चल रहे हैं मुल्लाभीरी बाबा के दर्शन करने के लिए और रास्ते का थोड़ा बहुत मैंने व्यू कैप्चर किया, क्योंकि मुझे आपको पूरी तरीके से बताना था ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ताकि जो हमारे आसपास के लोग हैं ना हरदोई के, अगर जाना चाहें तो आराम से जा सकते हैं। तो अगर यहाँ से आप जाएंगे तो मिश्रिक से होते हुए मिश्रिक रोड पे ही पड़ता है तो आप जा सकते हैं, और गुड़संडा पड़ता है मिश्रिक रोड पे, तो आप गुड़संडा में ही ये स्थान पड़ता है तो आप आराम से जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। और अगर आप सीतापुर से आ रहे हैं इस स्थान पे तो आप सीतापुर से होते हुए पिसावा आएंगे और पिसावा से महज 3 किलोमीटर की दूरी पे मुल्लाभीरी का स्थान पड़ता है जो कि गुड़संडा गांव में पड़ता है। तो ऐसे कुछ है, पूरी जानकारी मैंने शायद अपनी तरीके से पूरी कोशिश की है आपको जानकारी देने की। और ये हम पहुंच गए हैं पिसावा, तो ये सारा कुछ पिसावा की सीन है, मतलब पिसावा गाँव है, गाँव का कस्बा टाइप का है, तो ये सारा कुछ पिसावा का है। और इसी के आगे 3 किलोमीटर आगे मैंने वहां पे मतलब हम लोगों ने यहाँ पे पूछते पहुंच गए थे, क्योंकि पहली बार जा रहे थे हम लोग भी तो सही से रास्ता नहीं पता थे, तो रास्ते में रुकते हुए पूछते हुए लोगों से बस पहुंच गए। होता ना कि कहीं जाने की अगर चाह होती ना तो राह अपने आप निकल आती है, तो रास्ते में लोगों से पूछते हुए आराम से पहुंच गए थे। तो पिसावा से केवल 3 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना तो बीच में 2 या 3 गांव पड़ते हैं, फिर उसके बाद सीधे गुड़संडा गांव आता है और गुड़संडा गांव में ही ये पड़ता है स्थान मुल्लाभीरी का। तो आप चाहें तो आराम से जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं, फटाफट बने रहिएगा ब्लॉग में। और ब्लॉग अच्छा लगेगा तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और हरदोई से आसपास के इलाके से या फिर सीतापुर के साइड से कोई ये वीडियो देखे और मुल्लाभीरी गया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताएं कि आप लोग वहां पे गए हैं, जाने के बाद क्या महसूस हुआ, आपको क्या अनुभूति हुई, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि बहुत लोग इधर से जाते रहते होंगे, क्योंकि मैं तो पहली बार गई थी। यहाँ से कितने किलोमीटर पड़ी है? 3 किलोमीटर। अच्छा।
और ये देखिए रास्ते में लोगों से पूछते पाछते हम लोग पहुंच ही गए आखिर। और ये दिख रहा है आपको साइन बोर्ड जिस पे साफ साफ लिखा है मुल्लाभीरी। तो बस गांव तो पहुंच गए हैं, अब मंदिर पे जाने की देरी है। तो मंदिर के बारे में पूछा लोगों से, तो ये जो आपको दिख रहा है ना साइन बोर्ड, यानी कि ये जो बोर्ड लगा दिख रहा है मुल्लाभीरी मंदिर मार्ग, तो यही से रास्ता कटेगी और इस तरीके का यहाँ पे कुछ गेट बना हुआ है। तो बस लोगों से पूछते पाछते मंदिर तक पहुंच जाएंगे फटाफट से और आपको लेके चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे रुक के थोड़े से ये सब कैप्चर किया ताकि आप कभी भी जाना चाहें तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो, मुश्किल ना हो। और बस थोड़ा सा चारों तरफ से यहाँ का व्यू कैप्चर किया और बढ़ते हैं आगे मंदिर की तरफ। और ये देखिए कुछ कच्ची रास्ता से होते हुए हम लोग गांव के अंदर एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि गांव के अंदर की तो सड़कें ऐसे ही होती है ना, कच्ची मिट्टी की। तो बस इसी रास्ते पे होते हुए धीरे धीरे चलते हुए और पूछते लोगों से पूछ पाछ के मंदिर तक पहुंच गए थे आसानी। तो चलिए लेके चलते हैं आपको भी मंदिर पे और दर्शन करवाते हैं। और कैमरा यहाँ पे बहुत ज्यादा हिल रहा था, क्योंकि ना रास्ता बहुत ज्यादा मतलब ऐसी इतना मिट्टी टप थी, तो बहुत ज्यादा मतलब मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि कैमरा ना हिले, लेकिन वही होता ना कि बहुत मुश्किल होता है ऐसे रास्तों पर कैप्चर करना। लेकिन मैंने आपके लिए पूरी तरीके से मतलब कोशिश की कि यहाँ पे अच्छे से कैप्चर कर पाऊँ और आपको दिखा पाऊँ। तो ये देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर पे, और मंदिर के बिल्कुल साइड में ये बना था कुंड, सूरज कुंड। तो इसको भी बाद में दिखाएंगे आपको। तो पहले चलते हैं मंदिर की ओर, मंदिर पर दर्शन कराते हैं। और ये देखिए गेट से ही घंटियां बंधी आपको दिखने लगी हैं, और इसके अंदर इतनी सारी घंटियां बंधी जैसे घुंघरू नहीं होते हैं, घुंघरू की तरह बिल्कुल घंटियां बंधी हुई, ऐसा लगता है ना दीवालों में घुंघरू पिरोए गए हैं। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं, दर्शन करवाते हैं। और यहाँ देखिए आप गेट से ही मंदिर बिल्कुल ऐसे ना पिरोई गई है, ऐसे लग रहा है ना घुंघरू की तरह घंटियां बंधी हुई, छोटी घंटी बड़ी घंटी। और इस मंदिर को बहुत लोग घंटी वाला मंदिर भी बोलते हैं या फिर घंटी वाले बाबा भी बोलते हैं, ऐसे कुछ मतलब बहुत लोग बोलते हैं गांव में कि घंटी वाले बाबा का मंदिर या फिर घंटी वाला मंदिर। बहुत सारी घंटियां इसमें, करोड़ों पता नहीं कितनी सारी घंटियां इसमें बंधी हुई हैं, और सारी घंटियां ये मंदिर मन्नत की हैं। बहुत बहुत पुराना स्थान है यहाँ का। तो अभी तो हम मंदिर के गेट पे ही हैं और आप देख सकते हैं कितनी सारी घंटियां बंधी हुई हैं। और अभी तो अंदर लेके चलेंगे आपको, अंदर का तो माहौल कुछ और ही है, क्योंकि पूरी चारों तरफ रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। जब उसकी आवाज़ कान में पहुंची ना, एकदम अलग से अनुभूति हुई। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ घंटियां ही घंटियां दिख रही हैं। और ये हैं यहाँ के मतलब मुख्य बाबा जी, जिनको मुल्लाभीरी बाबा जी इन्हीं के नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध है। इनका नाम शायद इनका नाम यही होगा, ज्ञानदास, मैट्स ज्ञानदास, जो मैंने आपको शुरू में बोर्ड दिखाया ना, तो शायद यही होंगे। तो बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ का मतलब अलग ही माहौल था। और अब चलते हैं अंदर, शिवलिंग है छोटा सा, उसके भी दर्शन करवाते हैं आपको, और आप भी दर्शन करिए, हम भी दर्शन करते हैं। और ये जो बाबा जी हैं, गेट पे ताला लगा दिए थे, तो मैं इनसे बोली कि हम लोग बहुत दूर से आए हैं, दर्शन तो कर लेने दीजिए। फिर इन्होंने ताला खोल दिया और हम अंदर जाके दर्शन किए। नहीं खुलेगा बाबा पंडित जी, ताला खुलेगा नहीं, थोड़े से खोल दो, हम लोग चले जाए, हरदोए से आए हैं बहुत दूर से, बस 2 मिनट के लिए खोल दो, बस पैर छू लें। इतनी दूर से आए हैं, दर्शन कर ही लें। मेन मंदिर यही है बाबा जी, जय हो भोलेनाथ। और यहाँ पे कुछ भी चढ़ाने के लिए मना किया था, बोले बाबा जी पहले बोले कि प्रसाद पैसे कुछ भी मत चढ़ाना। तो छोटा सा ये मंदिर, ज्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि पुराने टाइप मतलब पुराने समय में ना ऐसे छोटे छोटे से मंदिर हुआ करते थे। और ये देखिए भोलेनाथ हमारे इस तरीके से यहाँ पे विराजमान है शिवलिंग के रूप में, आप भी दर्शन कर लीजिए। तो आपने दर्शन कर ही लिए होंगे। तो मुल्लाभीरी बाबा के दर्शन करने के बाद हम लोगों ने भोलेनाथ के दर्शन किए। भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद देखिए साइड में कुछ इस तरीके से भी छोटे छोटे से मंदिर बने हैं, जिसमें कि राम सीता और लक्ष्मण इस तरीके के मतलब झांकी बनी हुई थी, जिसमें कि ताला लगा हुआ था। और इसके अलावा यहाँ पे छोटा सा माता जी का भी मंदिर है, उसके भी दर्शन करवाते हैं आपको। और मंदिर के चारों तरफ आगे पीछे मतलब जहाँ जितनी जगह थी ना, वहाँ पे सब कहीं रामचरितमानस का पाठ चल रहा था। Thank you.
पैसे क्यों मांग रहे हो? सबसे मांगते हो ऐसे जो आता है यहाँ पे? पैसे कौन मांगते हैं बताओ? देखो मेरी तरफ देखो, देखो पैसे नहीं मांगते किसी, देखो इधर, देखो इधर, इधर देखो, पैसे नहीं मांगते हैं जी। पैसे वो लोग मांगते हैं जो कुछ कर नहीं सकते हैं। तुम्हारे तो हाथ अच्छे खासे हैं ना, हाथ खराब है? फिर पैसे नहीं मांगना कभी भी किसी से, ठीक है? टॉफी खाओगे? टॉफी दे रहे तुमको, टॉफी खाओ। पैसे तो नहीं मांगोगे अब? मांगना नहीं, ठीक है? पैसे नहीं मांगते, गलत बात होती है। लो तुम भी लो। क्या नाम है तुम्हारा? ये देखो नाम बताओ। हैं? विशाल। और तुम्हारा? और तुम्हारा? और तुम्हारा? अरविंद। पैसे नहीं मांगना, ठीक है? लो टॉफी खाओ, टॉफी खाओ। और ये है यहाँ का कुंड, जो कि मैंने आपको जाते समय बताया था ना कि यहाँ कुंड भी है। तो ये है सूरज कुंड, इसको मतलब इसका नाम है सूरज कुंड। और इसका इसकी क्या कहानी है, कैसे क्या यहाँ पे बना है, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैं खुद ही पहली बार आई हूँ। तो अगर आप लोगों में से किसी को पता हो, वहां पे गया हो, इस कुंड के बारे में पता हो, तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जितना मुझसे हो पाया, जितना मुझसे शूट हो पाया, जितना मुझे कैप्चर हो पाया, मैंने कैप्चर किया। और बस ये देखिए यहाँ पे पानी में ना कुंड में काई जैसी थी, तो मैंने इसको थोड़ा सा हटा के आपको पानी दिखाया। तो इसमें पानी तो है लेकिन बहुत ज्यादा काई भी है, तो बस ऐसा कुछ यहाँ पे पानी था। और इस कुंड के बारे में तो मुझे कुछ पता है नहीं, लेकिन हाँ मैंने कैप्चर करके आपको दिखाया जरूर यहाँ पे कैसा क्या कुंड बना हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मतलब साफ सफाई की बहुत ज्यादा जरूरत है, साफ सफाई नहीं है फिलहाल कुंड में। तो बस ऐसे ही कुछ था, मैंने चारों तरफ से कैप्चर किया और दिखाया आपको, बताया। और बस इसके बाद हम लोग फिर निकल लिए थे, ज्यादा कुछ वहां पे था ही नहीं, बस मंदिर था और ये कुंड था। कुंड को मैंने कैप्चर किया और यहाँ पे थोड़ी बहुत फोटो वगैरह क्लिक की। बस इसके बाद वहां से निकलने के बाद सीधा घर आए थे। तो ये वाला व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और इसके बारे में अगर आप लोगों को कुछ भी जानकारी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, दीजिएगा। अगर मुझसे कुछ छूट गया हो, जैसे मैंने कुछ ना बताया हो या मैं ना बता पाई हूँ, मुझे कुछ ना पता हो, तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे जा चुके होंगे, मैं तो पहली बार गई थी। बहुत सारे वहाँ पे घंटियाँ आपने देखी ना, कितनी ज्यादा मन्नत की घंटियाँ थी, जाली में बंद रखी थी, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे घुंघरू होते ना, घुंघरू की तरह वहाँ पे घंटियाँ पिरोई हुई दीवालों में, पेड़ के पास, मंदिर के चारों तरफ, जिधर देखो घंटियाँ घंटियाँ नजर आती थी, बहुत सारी घंटियाँ। और रामचरित का जो मानस का पाठ चल रहा था, वो उसकी तो बात ही अलग थी। तो बस वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो आपको इसी तरीके से मिलती रहे। तो चलिए फटाफट मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग या फिर वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय, एंड जय हो मुल्ला भीरे बाबा की, जय हो भोलेनाथ की, जय माता की।